हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रवि शास्त्री कॉमर्स नॉलेज चैनल वंस अगेन। नमस्कार दोस्तों, रवि शास्त्री कॉमर्स नॉलेज चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पे हम लोग आपको अकाउंट्स और फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी गवर्नमेंट जॉब आती है उनकी वैकेंसी की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्रोवाइड कराते हैं, चाहे वो जॉब सीए के लिए हो, चाहे सीएमए के लिए हो, चाहे कंपनी सेक्रेटरी के लिए हो, बीकॉम, एमबीए, बीबीए, सब के लिए हम लोग गवर्नमेंट जॉब आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब के बराबर में जो बेल आइकन का बटन आता है उसको दबा करके ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, ऐसी ही बेहतरीन वैकेंसी हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं। आज ये जो वैकेंसी आई हुई है, ये आई है दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में आई हुई है ये वैकेंसी, है ना। और यहाँ पर अकाउंटेंट की बहुत वैकेंसी आई हुई है, तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल चुके और पूरे नोटिफिकेशन आपके समझ में आ सके, ताकि आपको कोई भी डाउट ना बचे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, इस नोटिफिकेशन को देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो देख सकते हैं, लिखा है गवर्नमेंट ऑफ एनटीसी ऑफ दिल्ली में ये वैकेंसी आई हुई है, दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में ये वैकेंसी आई हुई है, करकटडुमा में इसका कार्यालय है। देख सकते हैं, जो इस वैकेंसी के लिए फॉर्म भरने की जो डेट है वो देख सकते हैं, ये फॉर्म शुरू हो रहे हैं 7 जनवरी 2020 से, उसकी जो लास्ट डेट है वो है 6 फरवरी 2020, यानी कि अभी ये नोटिफिकेशन फॉर्म भरने स्टार्ट नहीं हुए हैं। फॉर्म भरने जो स्टार्ट होंगे वो 7 जनवरी से स्टार्ट होंगे। ये देखते हैं इसमें नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है और कौन कौन से डिपार्टमेंट में अकाउंट्स में आई हुई है। तो देख सकते हैं, जो इसमें अकाउंट की एक ही आई हुई है पोस्ट अकाउंट्स की, वो देख सकते हैं आई हुई है पोस्ट कोड है इसका 17/20, और ये वैकेंसी आई हुई है अकाउंटेंट की। कौन से डिपार्टमेंट में आई है? दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, यानी कि डीटीसी डिपार्टमेंट जो है रोडवेज का, उसमें ये वैकेंसी आई हुई है। कितनी वैकेंसी है? टोटल वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी 18 है। आप देख सकते हैं इसका पे ग्रेड है जो है 4200 का पे ग्रेड है, और ये ग्रुप सी की वैकेंसी है ना। देख सकते हैं, इसके अलावा बाइफर्केशन भी यहाँ पर दिया हुआ है कैटेगरी वाइज। ये जनरल की 8 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी, एससी, एसटी की वैकेंसी आप देख सकते हैं, इस तरीके से बाइफर्केशन करके उन्होंने दिया हुआ है। तो अकाउंटेंट की 18 वैकेंसी है, जनरली इतनी वैकेंसी अकाउंटेंट की देखने को मिलती है, तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी कही जा सकती है अकाउंट्स के लिहाज से अगर देखा जाए तो। आइए देखते हैं अब इसके आगे, इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन वगैरह क्या मांगी हुई है अकाउंट्स के लिए। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए फ्रेंड्स, पोस्ट कोड 17 पे नेम ऑफ द पोस्ट है अकाउंटेंट, और इसमें देख सकते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर फिर से दिया हुआ है 18 वैकेंसी है, उनका बाइफर्केशन आप लोग देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज भी दिया हुआ है यहाँ पर। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो देख सकते हैं, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में यहाँ पर लिखा हुआ है कि बीकॉम डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी ऑब्लिक इंस्टीट्यूट, आपके पास क्या होना चाहिए? बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, है ना। इसके अलावा यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। तो एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो लिखा हुआ है कि 5 ईयर्स एक्सपीरियंस इन सेंट्रल ऑब्लिक स्टेट गवर्नमेंट ऑब्लिक यूनियन टेरेटरी गवर्नमेंट ऑब्लिक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग इन पे मैट्रिक लेवल 4 ग्रेड पे 2400 एंड अबाव। तो कह रहा है कि 5 साल का आपको एक्सपीरियंस अकाउंटिंग में होना चाहिए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो, यूनियन टेरेटरी का हो, या फिर आपने किसी स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में काम किया हो या पीएसयू में, और आपका पे ग्रेड 2400 रुपये या उससे ज़्यादा का होना चाहिए, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं पे स्केल यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं पे स्केल कितना लिखा हुआ है, जो पे स्केल यहाँ पर रहने वाला है वो 9300 रुपये से लेकर 34800 रुपये रहने वाला है, और यहाँ पर पे ग्रेड रहेगा वो रहेगा 4200 रुपये का। ये ग्रुप सी की वैकेंसी है, तो ग्रुप सी का जो पे ग्रेड है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में वो है 4200 रुपये। एज लिमिट की अगर बात करें तो एज लिमिट यहाँ पर दिया हुआ है कि नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स, एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन एज पर द टेबल गिवन एट पैरा 6। तो जो वैसे एज क्राइटेरिया है वो 18 साल से 35 साल है, हालांकि एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स होंगे। तो आइए नीचे चलते हैं और देखते हैं एज वगैरह के बारे में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। उससे पहले देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन और लिखे हुए हैं, लिखा हुआ है कि कैंडिडेट मस्ट फाइल ऑनलाइन एग्जाम ओनली। तो इसका जो एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाएगा वो सिर्फ ऑनलाइन मोड से भरा जाएगा, ऑफलाइन से आप लोग इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो दे रखा है कि कहाँ कहाँ पर आपको आवेदन करना है, तो लिखा है कैंडिडेट मस्ट रीड द इंस्ट्रक्शन फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन विच आर अवेलेबल एट, ये देख सकते हैं आप, वेबसाइट दी हुई है dssbonline.nic.in, इस पर जा करके आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं लॉग इन करके, है ना। फीस की अगर बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं फीस, एग्ज़ाम फीस कितने रहने वाली है, तो 100 रुपीज़ एग्ज़ाम फीस रहने वाली है किसके लिए? जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं। इसके अलावा जो वुमेन कैंडिडेट्स होंगे या फिर एससी एसटी के कैंडिडेट्स होंगे या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स होंगे, उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है, वो फ्री में इस फॉर्म को भर सकते हैं, है ना। आइए देखते हैं आगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। सिलेक्शन मोड के बारे में लिखा हुआ है कि जो
सिलेक्शन यहाँ पर होना है, वो कुछ पोस्टों के लिए 1 टायर एग्ज़ाम होना है, वही कुछ पोस्टों के लिए क्या होना है 2 टायर एग्जामिनेशन होना है, जो भी एप्लीकेबल होगा उसके हिसाब से होना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि जो भी पोस्ट के हिसाब से एग्ज़ाम होगा वो इन्होंने नीचे एक एनेक्सर दिया हुआ है वहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं लिखा हुआ है। इस वाले पॉइंट को अगर हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि DSSB विल कंडक्ट 1 टायर एंड 2 टायर एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट कोड एज पर एग्जामिनेशन स्कीम गिवन इन एनेक्सर 1। यानी कि जो एनेक्सर 1 हम नीचे देखेंगे उसमें दिया हुआ है कि एग्जामिनेशन स्कीम क्या रहने वाली है, कौन कौन सी पोस्ट के लिए। तो मैं सबसे पहले बता दूं यहाँ पर जो पोस्ट कोड अकाउंटिंग के लिए है वो है 17/20। तो हम लोग नीचे एनेक्सर में जाके 17/20 जो पोस्ट है उसके लिए देखते हैं कि एग्जामिनेशन स्कीम क्या रखी गई है। तो सबसे नीचे चलते हैं एनेक्सर में और देखते हैं, ये देख सकते हैं एनेक्सर 1 है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पोस्ट कोड 17/20 कहाँ पर है। तो ये रहा, देख सकते हैं यहाँ पर पोस्ट कोड 17/20 यहाँ पर पड़ रहा है। ये 2 टायर एग्जामिनेशन यहाँ पर होने वाला है टेक्निकल लेवल का। तो जो टायर 1 का एग्जामिनेशन है उसके बारे में लिखा हुआ है कि ये 200 क्वेश्चन से यहाँ पर आएंगे है ना, और ये 200 मार्क्स के आएंगे, यानी कि एक एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स यहाँ पर कितने होंगे, 200 होंगे टायर 1 में। तो देख सकते हैं सिलेबस क्या करेगा टायर 1 का, जो इसका पार्ट 1 है उसमें देख सकते हैं लिखा हुआ है जनरल अवेयरनेस आएगी, जनरल इंटेलिजेंस आएगी, रीजनिंग आएगी, इसके अलावा अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन और टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो ये जो पार्ट 1 है इसका 100 मार्क्स का आएगा और इसमें 20 मार्क्स का आएगा हर एक सब्जेक्ट। देख सकते हैं यहाँ पर 5 सब्जेक्ट दिए हैं पार्ट 1 में, और हर एक जो क्वेश्चन है वो हर एक पार्ट से 20 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स, यानी कि 20 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 मार्क्स का ये यहाँ पर आएगा पार्ट 1 से। पार्ट 2 की अगर बात करें तो पार्ट 2 में यहाँ पर लिखा है कि सब्जेक्ट ऑब्लिक क्वालिफिकेशन रिलेटेड पेपर आएगा, यानी कि जो हमारे BCom से रिलेटेड सब्जेक्ट रहते हैं अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑडिटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, GST, इनसे रिलेटेड आएंगे 100 क्वेश्चन और वो भी 100 मार्क्स का आएगा। तो ये 2 आवर्स का एग्ज़ाम होगा टायर 1 का। उसके बाद आपका जो है टायर 2 का एग्ज़ाम होगा, जो कैंडिडेट टायर 1 को क्लियर करेंगे उनके लिए टायर 2 का एग्ज़ाम होगा। इसमें भी 200 क्वेश्चन आएंगे है ना, आप देख सकते हैं इसमें भी 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स के आएंगे, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का आएगा, और यहाँ पर भी टोटल जो मार्क्स होंगे वो 200 होंगे यहाँ पर। हालांकि जो क्राइटेरिया है थोड़ा सा अलग है पेपर का, आप देख सकते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट रिलेटेड क्वालिफिकेशन रिलेटेड पेपर्स के कितने क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे 150 मार्क्स के। उसे कितना वेटेज दिया गया है, 75% वेटेज दिया गया है। हालांकि जो और जो पार्ट बी है उसमें क्या आएगा, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन आएगा, वहाँ पर 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, उसे केवल 25% वेटेज दिया गया है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि ये जो यहाँ पर एग्जामिनेशन स्कीम दी हुई है अकाउंटेंट के लिए ये वाली रहने वाली है। आप लोग बाद में जो मैं डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन दूंगा वहाँ से भी डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं आराम से, या फिर वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं एग्जामिनेशन स्कीम हमने देख ली, इसके अलावा देखते हैं इसमें और इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है जो हमें डिस्कस करनी है पेपर से रिलेटेड। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर रिजर्वेशन की बात की गई है कि रिजर्वेशन आपको किस किस को दिया जाएगा। रिजर्वेशन EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स को, SC ST OBC TPWD कैंडिडेट्स को रिजर्वेशन दिया जाएगा। हालांकि ये सिर्फ उन्हीं को दिया जाएगा कैटेगरी का रिजर्वेशन जो कि दिल्ली के रेसिडेंट होंगे है ना। आगे देख सकते हैं यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन कितना दिया जाएगा, इसके बारे में बताया गया है कि SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, OBC को 3 ईयर्स का, PWD को 10 ईयर्स का, PWD SC ST वालों को 15 का, PWD OBC को 13 ईयर्स का। तो आप लोग अकॉर्डिंगली देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर कितना रिजर्वेशन दिया जाना है। इसके अलावा और कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जनरल इंस्ट्रक्शंस, ये भी आप लोग पढ़ सकते हैं। बाकी इसमें जो कुछ था ये देख सकते हैं, और भी यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं नोट, ये भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर लिखा है कि इन टायर 2 एग्जामिनेशन टायर 1 एग्जाम टू बी यूज फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ओनली, यानी कि जो टायर 1 का एग्जाम होगा उसमें से जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे सिर्फ वही टायर 2 का एग्जाम देंगे, और जो सिलेक्शन किया जाएगा वो टायर 2 में जो जितने आपके मार्क्स होंगे उनके आधार पर किया जाएगा, टायर 1 के आधार पर आपका सिलेक्शन फाइनल नहीं होगा। फिर आगे लिखा हुआ है कि द बोर्ड एंड इट्स डिस्क्रिशन में डिस्पेंस विद द टायर 1 एग्जामिनेशन एंड डायरेक्टली कंडक्ट द टायर 2 एग्जामिनेशन इन केस द नंबर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट एप्लीकेंट फॉर द पोस्ट कोड हुज एग्जामिनेशन स्कीम R2 टायर इज लेसर इन नंबर। तो कह रहे हैं कि यदि कैंडिडेट बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं किसी पोस्ट के लिए तो वहाँ पर टायर 1 को हटाकर ओनली टायर
का ही एग्ज़ाम कराया जा सकता है, ऐसा गवर्नमेंट के हाथ में है। इसके अलावा लिखा है कि नेगेटिव मार्किंग पे यहाँ पर होगी, हर एक क्वेश्चन के लिए 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी हर रॉन्ग क्वेश्चन के लिए। 0.4 में लिखा हुआ है कि कितने मिनिमम मार्क्स आपको एक्वायर करने पड़ेंगे एग्ज़ाम को पास करने के लिए। तो लिखा हुआ है कि जनरल कैटेगरी को कम से कम 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे, ओबीसी कैटेगरी जो कि दिल्ली के ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं उनको 35% मार्क्स लाने पड़ेंगे, एससीएसटी को 30% मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो मैं बता दूं, ओबीसी और एससीएसटी कैंडिडेट जो कि दिल्ली के रेसिडेंट है सिर्फ उनको ही ये कैटेगरी का लाभ मिलेगा, जो अदर स्टेट के हैं उन सबको जनरल में काउंट किया जाएगा। इसके अलावा लिखा हुआ है कि स्किल टेस्ट ओब्लिक एंड्योरेंस टेस्ट विल बी टेकन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब। तो अभी यहाँ पर कुछ भी स्किल टेस्ट के बारे में बताया नहीं गया है, वो बाद में सिलेक्शन के टाइम पर ही अगर ज़रूरत पड़ेगी तो स्किल टेस्ट वहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा, अदरवाइज उसको छोड़ा भी जा सकता है। तो ये एक जॉब नोटिफिकेशन था दोस्तों, आया हुआ था दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन से। अकाउंटेंट की वैकेंसी आई हुई थी DTC यानी कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में, 18 वैकेंसी आई हुई है, काफ़ी अच्छा पे स्केल है। जो जो कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल हैं इसको भर सकते हैं, क्योंकि इसमें फीस बहुत ही कम है। फीमेल के लिए 0 है और SC ST के लिए भी 0 है, और OBC जनरल के लिए सिर्फ 100 रुपीज़ आपको फीस के पे करने हैं। तो जो जो कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपका कोई और फ्रेंड है जो कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है कॉमर्स से रिलेटेड, तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।